जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पीके ए साधना चैनल में। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए एक ऐसी शक्ति की सिफलिस शक्ति की साधना लेकर आए हैं कि ये शक्ति परी की साधना है, ठीक है ना। ये परी की साधना दिन में करने वाला है और इस साधना को हर एक बंदा कर सकता है। मैंने ये साधना इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से आदमी साधना रात में नहीं कर पाते हैं, चाहे उनके पास टाइम नहीं मिलता है रात में, चाहे वो डरते हैं। इसलिए मैं साधना सभी भाइयों के लिए दिन में लेकर आया हूँ, जो कि ये साधना दिन में 12 बजे सिर्फ आपको करना है। 12 बजे आपको सिर्फ इस मंत्र को बोलना है, 15 बार इस मंत्र को बोलना है और आपके सामने परी की हाजिरी होगी, तब आप बोलिएगा हाँ ये साधना मुकम्मल हुआ मेरा। क्योंकि दोस्तों, हर आदमी की साधना मुकम्मल नहीं हो रही है, इसके कारण मैं एक ऐसा आपको आसान साधना देने जा रहा हूँ कि ये साधना करने के बाद आपको इसमें कामयाबी मिलेगी, 1,00,001% कामयाबी मिलेगी। लेकिन इस साधना को करने के लिए आपको अच्छे से मेरी बातों को सुनना होगा, इसलिए पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। क्योंकि ज़रा सा भी अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं या स्किप कर देते हैं तो आपको छोटा सा भी विधि विधान अगर इसमें समझ में नहीं आया तो साधना में कामयाबी नहीं मिलेगी। अब हम बताते हैं इस साधना की इजाज़त कैसे लेंगे। तो इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारी ओर से आपको इजाज़त मिल जाएगी। अमल को करने का तरीका क्या है, अब चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले इस साधना को करने के लिए आपको दिन और टाइम तो आप जानते ही 12 बजे, लेकिन इसका दिन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। 4 दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, या तो आप मंगलवार को कर सकते हैं, या बुधवार को कर सकते हैं, या शुक्रवार को कर सकते हैं, या इतवार को कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 4 दिन साधना के लिए परफेक्ट है, इस 4 दिन में कभी भी आप इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बता देते हैं कि ये साधना कैसे किया जाएगा, क्या मंत्र है। साधना को आपको करना कब है कि जब 12 बज जाए तो ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर कोई आपको देख ना पाए, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो साधना में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। और जहाँ पे शोरगुल ना हो, ठीक है ना, वहाँ पे चले जाए, 5 अगरबत्ती जला ले, 5 दिया जला ले और बैठ जाए, ठीक है ना। और बैठने के बाद 4 ताज़ा गुलाब का फूल तोड़ ले, अगर रास्ते में मिल जाए तो तोड़ के लेते जाए और रख लें। और वहाँ पर बैठ के 15 बार इस मंत्र का, जो स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है, इसे 15 बार इस मंत्र को बोलना है। बोलने के बाद आपको अपने हाथों पर फूंक मार देना है 7 बार, और 7 बार जोर जोर से ताली मारना है। जैसे ही आपका 3 से 4 ताली होगा, 7वें ताली में परी हाजिर हो जाएगी। परी हाजिर होने के बाद पूछेगी, तुमने मुझे क्यों बुलाया, मुझे जाने दो, तुम ये अमल क्यों किए, क्योंकि मैं तुम्हारे ताबे नहीं होंगी, मुझे आज़ाद होना है। वो तुमसे ये चीज़ की डिमांड करेगी, तुमको बोलना है नहीं, तुम मेरे ताबे हो जाओ और तुम मुझे वचन दो कि जब मैं बुलाऊं तब आना है, जब मैं बोलूं तब जाना है, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना है और मेरा हर काम करना है, मनचाहा जायज और नाजायज काम करना है। वो बोलेगी अच्छा ठीक है। उसके बाद वो आपको बुलाने का जो भी तरीका दे आप उसे ले लें, ठीक है ना, और उसका कोई भी शरारत ना माने। अब हम बता देते हैं कि आपको इस साधना को कौन कौन भाई नहीं कर सकते हैं। साधना को 18 साल से नीचे के आदमी साधना को नहीं कर सकते हैं। जो भी साधना करेंगे 18 साल से ऊपर के आदमी ही साधना को करेंगे, ठीक है ना। और साधना में लड़कियां अगर साधना करेगी तो लड़कियां का एज होना चाहिए 20 साल से ऊपर, 18 साल से भी होगा तो नहीं चलेगा। जो भी मेरी बहनें हैं वो 20 साल से ऊपर की साधना करेंगे, ठीक है ना। और जेंट्स के लिए 18 साल से ऊपर कभी भी की साधना इसे कर सकते हैं। तो यही आज का मुकम्मल अमल था। अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी अगर परेशानी हो, तबीयत से जूझ रहे हैं, या अगर आपका कोई भी अगर पति पत्नी का अगर घरेलू कोई भी चीज़ हो, अगर आपसे ठीक नहीं होता हो, या तबीयत से जूझ रहे हैं, या कोई आपका सामान गुम हो गया, यानी कि हर चीज़ का इलाज करवाना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हर चीज़ का परेशानी का हल कर देंगे, ठीक है ना। अब हम चलिए चलते हैं। और इस परी का ट्रांसफ़र भी लेना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा, ठीक है ना, और कम शुल्क में दे दिया जाएगा। हर आदमी इस साधना को कर सकता है, चाहे इसका ट्रांसफ़र ले सकता है, ठीक है ना। और ये साधना कभी भी, इस साधना को एक ही बार करने का चांस मिलता है, एक ही बार कीजिए
अगर एक बार में नहीं होगा तो दूसरा बार में इस साधना को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आसान और मुकम्मल तरीका कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं। जी नमस्कार, जय माता।